डिग्री से रिपोर्ट करते हैं अमानुल्ला महर। सिंध तूफानी बारिशों में तबाह हो गई है हुकूमत और जरदारी टोला गहरी नींद सोया हुआ है। किसी भी हुकूमती नुमाइंदे सरकारी अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों ने मुतासर इलाकों में जाना भी पसंद नहीं किया। बात बात पे शहीद भुट्टो सिंध के सदर जुबैर अहमद जतोई रहीम बख्श खोसो सियाल चांदी खान बरोही सैयद जमाल शाह ने जिला मीरपुर खास और दीगर अजला के मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद प्रेस बयान में कहा कि उन्होंने के मुतासरीन की इमदाद करने के लिए ना हुकूमत ना हुकूमती मुंतखब नुमाइंदों ने मुतासर इलाकों का दौरा किया ना उनकी खबर चार ली। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुतासरीन की फौरी मदद की जाए, ज़रई अजनास का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, छोटे काश्तकारों को जिन पर ज़रई तरक्याती बैंक के 5 लाख रुपए तक कर्जे हैं वो माफ़ करके उन्हें रिलीफ दिया जाए, नई ज़रई अजनास काश्त करने के लिए बीज और कीमियाई खाद सस्ते दामों फराहम की जाए।